नागपुर मंडल सुरक्षा संगठन NDRF टीम, नागरिक दुर्घटना राहत ट्रेन की मेडिकल टीम और MRME के साथ समन्वय में आज एक वास्तविक राहत और बचाव अभियान का आयोजन किया गया था। नागपुर और खापरी स्टेशनों के बीच 01046 दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। कोच संख्या S1 और सामान्य द्वितीय श्रेणी ट्रेन का पिछला हिस्सा प्रभावित हुआ और रेल कर्मियों की तैयारियों की जांच के लिए बचाव अभियान चलाया गया। घटना और एक साथ राहत कार्यों के साथ यात्रियों को बचाने के लिए नागपुर मंडल ने विभिन्न विभागों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और नागरिक प्रशासन के 200 कर्मचारियों को प्रभावित कोचों में यात्रियों को बचाने, राहत कार्यों को चलाने और अतः सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए शामिल किया। साथ ही यातायात के तेज आवाजाही के लिए ट्रक का भी उपयोग किया गया। DRM ऋचा खरे, ADRM PS खैरनार, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी बारा पात्रे, सीनियर DCM कृष्णनाथ पाटिल, सीनियर DME लक्ष्मी नारायण और अन्य शाखा के अधिकारियों ने मॉक ड्रिल में भाग लिया। DRM ऋचा खरे ने कहा, यह एक आपदा में प्रतिक्रिया करने के लिए सभी विभागों की तैयारियों की जांच करने और संचार कौशल के साथ साथ समन्वय विकसित करने के लिए एक अभ्यास है। इस तरह के अभ्यास उन्हें किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रखना जारी रखेंगे। NDRF का नेतृत्व 10वीं NDRF कमांड के एक निरीक्षक विपिन कुमार ने किया, जिसमें 26 कर्मियों का बेड़ा था। नवनीतम उपकरणों ने स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास करने के लिए सभी फ्रंटलाइन सेवा कर्मियों को जागरूक करने के लिए भाग लिया। RPSF, RPF, राज्य पुलिस और नागरिक सुरक्षा कर्मी बचाव और राहत कार्यों में शामिल हो गए। हम फिलहाल नागपुर के अजनी यार्ड में हैं। यहाँ पे जो है नागपुर डिवीजन द्वारा जो है मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हमारे साथ जो है ऋचा खरे मैडम है, उनसे हम जानेंगे कि मैम आज जो है अजनी यार्ड में नागपुर डिवीजन की ओर से जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे, किस तर्ज पर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है? रेलवे, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं और रेलवे के लिए जो सेफ्टी है वो उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, संरक्षा सर्वोपरि होती है। तो हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि दुर्घटना ना हो। हमारे सभी विभागों के प्रयास रहते हैं कि हमारे मेंटेनेंस और हमारे जो टेक्निकल इनपुट्स जितने हो सकते हैं दिए जाएं, जिससे कि दुर्घटना जहां तक हो ना हो। इसी सेफ्टी के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। उसके लिए आज ये मॉक ड्रिल हो रही है, जिसमें कि एक डिरेलमेंट का होने के समय क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। और उसमें भी आजकल बहुत सारे नए टूल्स आ गए हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है कि जल्दी से जल्दी दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचाया जा सके और वापस रिस्टोर किया जा सके जो क्षतिग्रस्त जो भी चीज़ें हैं दुर्घटना स्थल पर, तो उसके लिए ये मॉक ड्रिल हो रही है और NDRF के सहयोग से हो रही है। NDRF इस क्षेत्र में एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनकी गाइडेंस भी रहेगी। और ये हम लोग समय समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल करते रहते हैं, जिससे कि हमारे स्टाफ इन सब चीज़ों को करने के लिए सक्षम रहें और जब भी ज़रूरत पड़े तो वो उसमें काम कर सकें दुर्घटना वगैरह के समय। तो हमने देखा कि जैसे अगर कई ट्रेन अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो NDRF के मदद से जो है यहाँ पे जो है क्षतिग्रस्त हुए जो लोग रहते हैं, एक्सीडेंट जिनका हुआ रहता है, उन्हें जल्द से जल्द वो ट्रेन से बाहर निकालने के लिए जो मॉक ड्रिल किया, इसीलिए मतलब जो भी जवान रहते हैं उन्हें ये का क्या बोल सकते हैं, हम प्रशिक्षण बोल सकते हैं कि उनका यहाँ ट्रेनिंग है और वो किस तरह से नए नए टूल्स को हैंडल कर सके, उसके लिए जो मॉक ड्रिल रहता है वो किया जाता है और इसी तर्ज पर आज ये मॉक ड्रिल किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ ना।